हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह बज गई है 7 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मेरा है मेकअप, तो नॉली आया है, बस फेस स्किन केयर बाकी है, तो फटाफट से स्किन केयर कर देती हूँ, फिर चिकू को उठाती हूँ क्योंकि चिकू सोए हुए, फिर चिकू को लेके जाऊँगी शॉप पर, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दूँगी और फिर मेकअप है तो सो, इसलिए थोड़ा वेल सेट हो तो सही रहता है, क्योंकि कल रात को मैं 9 बजे फ्री हुई सैलून से, तो सारा बिखरा पड़ा हुआ है। जाऊंगी, ज्योति को भी बुला दूंगी, तो एक बार ज्योति को कॉल कर देती हूँ, फिर मैं रेडी होके शॉप पे पहुँचती हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी और ब्राइड को भी रेडी करके भेज दिया है, तो साड़ी घर पे जाके पहननी रहेगी, तो घर पे चलते हैं। शिबा दी और सब बच्चे भी वेट कर रहे हैं, तो चिकू को कॉल कर देती हूँ, चिकू लेने आ जाएंगे। और मैं कैसी लग रही हूँ यार, शॉप से हो गई हूँ फ्री क्योंकि कस्टमर भी आ गए थे, तो वो भी अटेंड कर लिया, और अभी जाऊंगी घर पे, साड़ी वगैरह पहनूंगी फंक्शन के लिए, कम्प्लीटली रेडी हो जाऊंगी। ओनली फॉर मेकअप ही हुआ है तो अजीब सी दिख रही हूँ, इन कपड़ों पे इतनी तैयार हुई। दिखा दे भाई, वाव कर दो, वाव कर दो, एक गोल गोल घुमा, गोल गोल घुमा, गोल गोल घुमा, ये हल्दी का सेटअप कंप्लीट हो गया है भाई। अपन फोटो खींचे अपने यार यहाँ पे, और तीनों का इनके सेम पे खींचना पड़े। हाँ व्लॉग में आ जाएंगे अपन पूरे पूरे। मार ना वही तो। ए मिडल देखो, मिडल देखो पे तो। बुआ शादियों का मजा लेते हुए। बुआ, बुआ, बुआ,
मम्मा की चिकन। ओहो अभी फंक्शन लगभग कंप्लीट निपटने आ गया है, बैटरी भी लोगे चेंज कर दो। ये हम गुड्डे गुड्डियों का खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारी छोटी सी क्यूट सी दुल्हन और हमारा दूल्हा तैयार है। दोनों ये पहले क्यों रो रही थी ब्रांड? बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। और अभी हम सब जने मानवी दीदी को सरप्राइज करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ जाके मजा आने वाला है, तो पूरी वीडियो देखना, मजा आएगा। चलो हमारी दुल्हन बहुत चुलबुली है। ये दूल्हे की बहन तैयार हो गई, ये दूल्हा और ये दुल्हन और ये दूल्हे की माँ हाथ पकड़ के खड़ी है। अरे हम तो गीता
गाड़ी में पिनू हमको लेके जा रहा है कल्याणपुर, क्योंकि रुचिका दीदी का मेकअप है कल्याणपुर में, तो फटाफट से पहुंच जाते हैं। और लेट भी काफ़ी हो गए हैं क्योंकि मैं लेट हो गई और चिकू भी चले गए थे, बहुत सारा मैस हो गया था और घर में भी फंक्शन था। बस ऑन द वे हैं, बस पहुंचते ही मिलवाते हैं। ये ब्राइड हमारी रेडी हो चुकी है, अभी इनका फोटोज़ क्लिक हो रहे हैं। हाँ, तो तैयार थी कि तो रुचिका दीदी का मेकअप हो गया है, वो बहुत जल्दी में थे इसलिए हम अरे झलियन भी चालिया तो हाँ हाँ ये वीर लेना अभी तो इसलिए हम जल्दी वो पी दूंगा मुत तो इसीलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाए और मैं भी कुछ ज़्यादा अच्छा शूट नहीं कर पाई थी। पर अभी फ्री हूँ, आज तो पियर के मज़े ले रही हूँ। ये मेरे भैया का घर है और अभी भी बनाया बहुत अच्छा है। यहाँ पे वीर मेरे साथ इतना एंजॉय करा, इतना ज़्यादा खुश हो गया है। मैं आई हूँ इसके घर पर, एक दो बार तो नाच भी गया है। तेरे को इतनी खुशी हो गई बेटा मैं आई हूँ तो। अरे यार ये फोन में शांति ही नहीं है एक जरा भी। अभी मैं काटने वाली हूँ वीर के बाल, क्योंकि वीर है ना कितने टाइम से वेट करके बैठा था कि रोमा भुआ कब आएगी और मैं उनसे बाल कटवाऊंगा या फिर मैं नहीं आती तो ये कल आ जाता बाल कटवाने के लिए। आ जा बेटा, ऊपर ऊपर तक ही लूँगी, नीचे नहीं लूँगी। देखो नहीं बेटा, देखो नहीं लूँगी मैं पूरा, आ जा ऐसे ही। अब इसके हेयर कट होगा, तू ही कैमरा पकड़ के बैठा रहे, मेरे को दे दे ये बहुत भारी कैमरा, बालों में तेल डाल रखा है। अटला घना बाल है मादम, काम हो गई पे तो अभी केचित सा काम नहीं है। वीर के बाल काटना किया कैंसल, क्योंकि वीर के बाल बहुत बड़े हो गए और मैं सीजर वगैरह भी लेके नहीं आई हूँ, तो मैं यहीं पर बार्बर को समझा दूँगी वीर के मेरे कैसे बाल काटने, क्योंकि इसको मेरे हाथ के ही बाल कटे हुए अच्छे लगते हैं इसीलिए ये किसी से नहीं कटवाता है, तो बता दूँगी। ठीक है, वो तेरे काट देगा ऐसे, तो टेंशन मत ले, जरा भी तू चकाचक लगेगा मस्त। क्यूटी भाई मेरे वहाँ पर ये नहीं है साइड में, ये ब्लेड घुमाता है कान में, लग जाती है, लग जाती है, मैं उसको बोल दूँगी। तो अभी हम जाने वाले हैं मेरे मम्मी पापा के घर पे मिलने के लिए, जब तक भाभी ने खाना बनाया है, तब तक खाना वगैरह बनाया तब तक मेरे मम्मी पापा को मिल के आ जाते हैं। अभी चिकू लेने आ गए हैं और हम गाड़ी में बैठ गए, अब डायरेक्ट केशा जी पहुँचेंगे। आज तो बहुत भागदौड़ हो गई है, पर सीधे केशा जी जाके फिर डांस की रिहर्सल भी करनी है, तो डांस की रिहर्सल करेंगे। और तो लेके जाओ चुकू ये सब, अब तो कौन सिखाएगा, सब सीख रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं कोई नहीं सीखेगा, ओ गॉड, नवेड़ा ही क्यों, आओ
घर पर आ गए थे, पर घर पे जब तक हम आए थे तब तक रिहर्सल सबकी बंद हो चुकी थी। तो हम ही कुछ कुछ बेड पे उठ के बातें कर रहे थे। वेडिंग्स का वेडिंग का टाइम है यानी गेस्ट वगैरह सब आते हैं, मिलना वगैरह होता है और मज़ा भी आता है। लेट लेट तक जागना, यही सब इंटरेस्ट है शादियों का। तो बस यहाँ तक देखने के बाद आज का व्लॉग तो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग गया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय। और आज का व्लॉग तो आपने बहुत इन्जॉय किया होगा।